आए हैं या पॉलिटिकल टूरिज्म पर लोग आते हैं, ये इस घटना का फायदा उठाना चाहते हैं और ये पॉलिटिकल टूरिज्म करके वापस चले जाएंगे। पहले भी उन्होंने ऐसा किया है, ये किसी के सुख दुख में नहीं आएंगे। ये समाज भैंसवाल में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो थे वहाँ, उनके परिवार द्वारा नारेबाजी की गई। 10-12 लोग थे परिवार के, बदतमीजी करने का प्रयास किया। उसके बाद कल सोरम गांव में राष्ट्रीय लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष नेतृत्व में उनके 5-6 कार्यकर्ताओं के द्वारा, जब मैं 13वीं में मौजूद था, जो रस्म पगड़ी चल रही थी, मैं किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भी था, कम से कम इतना तो रहना चाहिए कि हम इतनी मर्यादाएं तो एक दूसरे के रखें, इतना सम्मान तो एक दूसरे का करें कि ऐसे शादी हो या 13वीं, उन्हें तो राजनीतिक जन का खड़ा ना पड़े। समाज को मत तोड़िए साहब, राजनीति होती रहेगी, पहले भी हुई आगे भी होगी, चुनाव वे लोग पहले भी लड़े आगे भी लड़ेंगे। समाज को आपस में लड़ा के आप लोग तो चले जाएंगे, वो घटना मुजफ्फरनगर की जनता को और हम सबको पड़ेगा। ये बहुत जो घटना है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी हूँ। वे खुश होंगे, उन्हें खुश होने का, चूँकि उन्होंने हमेशा राजनीति दिल्ली से बैठ के की, जनता के बीच में कभी नहीं की। दिल्ली से भावनाएं बढ़ा के राजनीति की, हम लोगों ने पसीना बहा के लोगों के बीच में लोगों की सेवा करके राजनीति की। आपने भी बताया कि क्या नाम मस्जिदों से ऐलान किया कि मस्जिदों के जरिए माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। लोकदल के नेता मौजूद थे वहीं पर, बड़े नेता जो 26 जनवरी की घटना में लाल किले में थे वो वहाँ मौजूद थे। मेरे निकलते ही हाथापाई हुई, वे लोगों ने आके नारे लगाए, लोगों ने उनको भगाया। उसके बाद मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ सोरम में कि संजीव बालियान के विरोध में इकट्ठा हो जाओ। ये 2013 की घटनाओं की तरफ इस मुजफ्फरनगर को मत लेकर जाइए। आप 2013 में भी भाग गए थे साहब, इस बार भी भाग जाएंगे। पिछली बार भी हमने भुगता था, सोरम में पुरबालियान में मारे गए थे, पता लेने नहीं आए लोग। ये कभी पूछने नहीं आए सोरम वालों के आंसू, घायल हुए तो भी नहीं आए। उससे पहले पिटाई हुई, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए, सोरम में लोग नहीं आए। आज संजीव बालियान के विरोध में सोरम याद आया। फिर कल कोई घटना होगी, आप लोग भड़का के जाओगे, फिर ये लोग नहीं आएंगे। मेरा अपने लोगों से निवेदन है, ये मेरे अपने हैं, कोई भी हो मेरा अपना है, इनके बहकाए में मत आइए, आपस में मत लड़िए, प्यार से रहिए। किसी भी राजनीतिक दल में हूँ, हम सब लोग प्यार से। आज चौधरी अजीत सिंह भी पहुँच गए हैं, घर घर जाकर लोगों को बात कर रहे हैं, तो क्या कहें? मैं यही कहूँगा ना, उसके बाद नहीं आएंगे, उसके बाद मैं ही आ रहूँगा। अगर कोई दुर्घटना हुई, कोई तनाव बढ़ा, तो उसकी कहीं कहीं सांसद होने के तक जिम्मेदारी मेरी है। दुख मुझे होगा, यहाँ के रोड रहने वाले लोगों का, उन्हें नहीं होगा साहब। वे तो हर चीज़ को राजनीतिक नज़र से देख रहे हैं, व्यक्तिगत स्नेह लगाओ किसी से नहीं रखते। दिल्ली वापस चले जाएंगे, ट्वीट जरूर करेंगे, लेकिन वापस नहीं आएंगे। मंत्री जी, कल के बाद जो आपका सुरक्षा घेरा बढ़ा है, क्या किसी तरह का भय है या? साहब, मेरा कोई सुरक्षा घेरा नहीं बढ़ा है, मैंने कभी कोई सुरक्षा नहीं ली है। मेरे साथ मंत्री के नाते एक जिप्सी में 4 पुलिस वाले जरूर चलते हैं लोकल। उसके अलावा मैंने न सुरक्षा पहले ली है, ना मैं आज लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कोई सुरक्षा की मांग कभी नहीं की, ना मेरा सुरक्षा घेरा। जिस तरह से आप पर हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी अचूक? देखिए, अपने लोग मारेंगे, अपने गाँव में रह लेंगे जाके, दोस्त रहना तो अपने लोगों के बीच में ही है, सुरक्षा के साथ क्या रहना। उन्हीं ने बनाया, उन्हीं के हाथ में हमारा भाग्य है, जैसा वे चाहेंगे ऐसा करें। कानूनी कार्रवाई के लिए कोई तहरीर वगैरह क्यों नहीं दी गई, जबकि आप कह रहे हैं कि मस्जिदों से ऐलान किया गया? देखिए, मैं साजिश की जांच करवाना चाहता हूं। अगर मेरे 5-6 भाई बहकावे में आके इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो मैं उन पर कार्रवाई नहीं चाहता। मैं इसके जो षड्यंत्रकर्ता है, मैं उन पर कार्रवाई चाहता हूँ। जिसने मस्जिद से नाउंसेट गई उस पर कार्रवाई चाहता हूँ। जिसने इस तरह के षड्यंत्र रचा उस पर कार्रवाई चाहता हूँ। मैं उन 5-6 बच्चों पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता।